एंड देन ऑल्सो प्रेजेंट इन द जी आई टी ठीक है तो लिमफ्लोन में कहा में पाया जाता है इट इज इन द पारा कोटेक्स ठीक है दीज आर दोकेशन पारा कोटेक्स प्लिन में कहा पाया जाता है पेरी एंटीरियर लिम्फॉइड शीट या इसको पल्स भी कहते हैं ठीक है थीके? और जीआईटी में कहा पाया जाता है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स में इसको इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स आई एल एस ठीक है तो टी सेल्स आर फाउंड इन फॉर्मड इन ठीक है एंड वेयर दे आर प्रेजेंट पे पाया जाता है लिम्फ लिम्फनोड पाराकोर्टेक्स स्प्लिन में पेरी एंटीरियर शीट में ऑल्सो नोन एस पाल्स एंड जी आई टी में इंट्रा एफिथिलियल लिम्फोसाइड्स ठीक है तो लेट्स ऑफ टी सेल्स ये टी सेल सोचो दिस इज एल ओके ठीक है देन इट हेज ए रिसेप्टर हेयर टी सेल रिसेप्टर होता है यहाँ पे ठीक uh, है एंड देन वी हैव गॉट हेयर सम मार्कर्स ठीक है इनको मार्कर कहते हैं ठीक है मार्कर्स कहते हैं लाइक दिस आर सी डी मार्कर सी डी मार्कर और क्लस्टर डिफरेंशिएटिंग ठीक है तो ये ये हो गया आपका टी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर ठीक है फिर यहाँ पे क्या होता है एंटीजन आता है एंटीजन सोचो दिस इज एन Antigen okay, but antigen cannot come directly in contact with the T cell. This is brought about by T cell co uh, antigen co, it's brought about by antigen presenting cell. Okay, antigen presenting cell here, and this uh, brings antigen here. So, T cells get activated by prebound antigen, T cells never activated by free antigens. The free antigens are jayega, then T cells will never get.

इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन सेल्स ओके तो पहले है सी डी वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एंड एट देखो सिक्स नहीं है यहाँ पे सिक्स इज नॉट हेयर ओके दिस आर टी सेल मार्कर्स आपको याद रखना है दिस कम्स इन एग्जाम सीडी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज नॉट इंक्लूडेड तो सिक्स इज नॉट इंक्लूडेड फाइव सेवन एट देस पेन टी सेल मार्कर ये हमेशा प्रेजेंट होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द टी सेल इट इज नोन एज पेन टी सेल मार्कर ओके एंड दिस ऑल्सो हैज Uh, significance in signal transduction mechanism. So what is signal transduction? Dekho. Ye, this antigen is present karta. Hai. So there is a signal reaching. So here this C D3 is present and it will reach, make it reach here. Okay, so this there is a transfer of signal to the cd uh, to the t cell so this occurs due to this cd3 the cd3 present here so it helps in signal transaction it is a pan t cell marker cd3 and it helps in significant significance in signal transaction mechanism also it helps in activation of activation of t cell assisted by calcineurin and I L to I L2. Okay. So eab hey, activation of T cell assisted by calcinudine and I L2. Okay. Now next the type of T cells. Hmm, Oric type or uh, this type here that is known as C D4 T cells and C D eight T cells. C D4 T cells are known as helper T cells.

th2 helper cell 2, it leads to the formation of type 1 hypersensitivity reaction and it leads to the formation of il-4 and il-5. th17 is easy. it leads to the formation of il-17, which is antifungal, and leads to the formation of autoimmune disorders. so let's revise once. जो सब हमने पढ़ा है ओके तो टी सेल्स आर फोर्म इन द थाइमस ओके इट इज प्रेजेंट इन लिम्फ नोट पाराटकोटेक्सिन में पेरी एंटीरियर लिम्फोइड शीट में प्रेजेंट होता है जीआईटी में इंट्रा एपिथिलियन लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है देन दिस 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 इज इज टी टी सेल सेल रिसेप्टर आपका ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मीन्स प्रेजेंट्स द एंटीजन तो ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है ये टी सेल को ठीक है टू द रिसेप्टर ऑफ टी सेल ठीक है दिस आर सी डी मार्कर एंड दिस इज सी डी थ्री हेल्प इन सिग्नल ट्रांसैक्शन ओके सी डी मोलिक्यूल वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट आर टी सेल मार्कर सिक्स नहीं है ठीक है सिक्स नहीं है वी ऑल्सो विल स्टडी अबाउट बी सेल मार्कर लेटर देन सी डी थ्री सी डी थ्री इज पैन टी सेल मार्कर एंड इट हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसैक्शन ठीक है

So this was all from the T cells. Thank you very much for listening to the class.